हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम। हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का पेपर 2021 डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी, और पांच पार्ट्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। दिस इज़ द सिक्स्थ पार्ट गाइस, ठीक है। तो पेपर तो पास आ रहा है बेटा, लेकिन फिर भी अगर आप धीरे धीरे 10-10 15-15 20-20 मिनट दे करके भी हम ये पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये आपको पेपर के अंदर इन्हीं में से डिस्कस होते हुए दिखेंगे, क्वेश्चंस आते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो फटाफट से बिना समय व्यर्थ करें पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स का सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को अवेलेबल है? ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी, बी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सी राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, एंड डी इज प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो दो तरह के फंडामेंटल राइट्स को हम दो में डिफरेंशिएट करते हैं, आप जानते हो, एक जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं और दूसरे जो सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में कौन सा पूछा गया है जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है? सो सबसे पहले तो यहाँ पर सही जवाब आपका कौन सा होगा? देखो, आर्टिकल 14 दोनों को अवेलेबल है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता आपका आंसर। 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भी दोनों को अवेलेबल है। राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, ये भी दोनों को अवेलेबल है। आर्टिकल 29 जो है, दैट इज योर प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज, तो ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक जो माइनॉरिटीज हैं उनको अवेलेबल है, ठीक है। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब मैं आपको एक बार वो सारे राइट्स दिखा देता हूँ कि कौन से राइट्स सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं या कौन से राइट्स दोनों को अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन एंड फॉरेनर्स, ठीक है, जो दोनों सिटीजन और फॉरेनर्स को अवेलेबल हैं एक्सेप्ट एनिमीज, ठीक है। तो इसके अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ आ जाता है बेटा, ठीक है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज आ जाएगा, जो आपका आर्टिकल 20 है। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 21A, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस आर्टिकल 22, उसके बाद जी प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ठीक है जी, आर्टिकल 24, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। अगर कोई फॉरेनर भी है तो उसको भी आज़ादी है कि वो अपना रिलीजन जो उसका कॉन्साइंस है उसको फ्रीली फॉलो कर सके, प्रोफेस कर सके। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स आर्टिकल 26, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये वो राइट्स हैं जो दोनों आपके सिटीजन्स को भी अवेलेबल है और फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है, एक्सेप्ट एनिमी। एनिमी फॉरेनर को अवेलेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के साथ अगर हम स्टेट ऑफ वॉर में है तो उनको थोड़ी, उनके नागरिकों को हम थोड़ी फंडामेंटल राइट्स देंगे, है ना। अब कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो आपके सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, उसमें कौन से आ जाएंगे? सबसे पहले तो आर्टिकल 15 जो है आपका, जो डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर प्रोहिबिशन की बात करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16, छह फंडामेंटल राइट्स जो है आपके आर्टिकल 19 के अंदर वो। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज एंड राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये वो वाले राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसको अवेलेबल है? सिटीजन को अवेलेबल है। ये किसी भी तरह के फॉरनर को अवेलेबल नहीं है, चाहे वो फ्रेंडली हो चाहे वो एनिमी हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, ठीक है, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं उनके अंदर से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी की पहली स्टेटमेंट है कि 1921 में फाउंडेशन हुई थी। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो चेयरमैन होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, वो बाय अ कन्वेंशन मेन ऑपोजिशन पार्टी से बिलोंग करता है। और स्टेटमेंट नंबर थ्री कहता है कि जो टेन्योर होता है चेयरमैन का और उसके मेंबर्स का, वो 2 साल का होता है। तो आपको बताना है कि इसमें सही आपका आंसर क्या है, ठीक है जी। तो पहले मैं आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखो, पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में बनी थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, तो डी ऑप्शन तो पहले हट गया। उसके बाद चेयरमैन जो होता है ना पब्लिक अकाउंट कमेटी का, वो भी कन्वेंशन है 1967 से। 1967 से पहले तो जो मेन पार्टी होती थी, जो रूलिंग पार्टी होती थी, उसी का बंदा चेयरमैन बनता था। लेकिन 1967 में कन्वेंशन आ गई थी कि भैया अब जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनेगा ना, वो मेन ऑपोजिशन पार्टी का बंदा होगा। तो स्टेटमेंट नंबर टू भी सही है बिल्कुल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो गया। तो
तो ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर आप इतना इजीली एलिमिनेट नहीं कर सकते जब तक आपको तीनों स्टेटमेंट्स नहीं आते, नहीं तो एचसीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें ये देखने को मिलता है ना कि यार एक भी स्टेटमेंट आया तो बाकी के एलिमिनेट हो गए, तो इसके अंदर वो वाली चीज़ नहीं है। ओके, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है द टेन्योर ऑफ इट्स चेयरमैन एंड इट्स मेंबर्स इज 2 ईयर्स, 2 साल का टेन्योर होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला गलत है क्योंकि 2 साल का नहीं होता, ये 1 साल का होता है और इसीलिए ये गलत है। तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया, बी कट गया। ठीक है, एक बार पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में देख लेते हैं फटाफट से। तो सेटअप 1921 में हुआ था और इस कमेटी को बनाने की जो प्रोविजंस थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर प्रोवाइडेड थे। टोटल इसके अंदर 22 मेंबर्स होते हैं और 22 मेंबर जो हैं इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की होती है। 15 लोग जो हैं लोकसभा से होते हैं और 7 लोग जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। मेंबर पार्लियामेंट खुद इलेक्ट करती है एवरी ईयर, अपने बीच में से जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से इनको इलेक्ट किया जाता है और वोटिंग के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस जो होता है मेंबर्स का वो 1 साल का होता है ना कि 2 साल का। मिनिस्टर इसके अंदर नहीं इलेक्ट हो सकता, मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं बन सकता, इस कमेटी के 22 लोगों में किसी भी मिनिस्टर को ऐड नहीं किया जाता है। चेयरमैन जो है वो अल्टीमेटली जो लोग चुने गए हैं, जो 22 लोग चुने गए हैं उन्हीं में से एक को चेयरमैन अपॉइंट कर दिया जाएगा और चेयरमैन कौन अपॉइंट करेगा, वो स्पीकर अपॉइंट करेगा। 1966-67 तक जो चेयरमैन होता था वो ज़्यादातर रूलिंग पार्टी को बिलोंग करता था, लेकिन 1967 में ये नई कन्वेंशन डेवलप की गई कि जो चेयरमैन होगा वो अपोजिशन पार्टी का होगा। ठीक है, उसके बाद जी फंक्शन क्या है कमिटी का, मेन फंक्शन है कमिटी का जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एनुअल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है ना, ये उसको एग्जामिन करती है। सीएजी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखता है, तो ये कमिटी जो है उन रिपोर्ट्स को एनालाइज करती है। सीएजी मेनली 3 ऑडिट रिपोर्ट्स देता है प्रेसिडेंट को, एक तो होती है आपकी ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, दूसरी होती है ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स और तीसरी होती है आपकी ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ओके, तो ये जो कमिटी है ये पब्लिक एक्सपेंडिचर को एग्जामिन करती है और ये सिर्फ ये नहीं देखती कि लीगली और फॉर्मली सब कुछ ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, ये भी देखती है कि यार जो खर्चे किए गए हैं क्या उसको इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्या उस खर्चे को पूरा विजडम के साथ किया हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि भाई जस्ट वेस्ट जो है या करप्शन या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ के बेसिस के ऊपर ये एनालाइज करती है इन रिपोर्ट्स को। अगर आप और फंक्शंस देखें इस कमिटी के तो क्या है, टू एग्जामिन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड एनी अदर अकाउंट लेड बिफोर द लोकसभा। ठीक है, तो जो भी अप्रोप्रिएशन या फाइनेंस अकाउंट है या कोई भी अकाउंट लोकसभा के पास अगर आ रहा है तो ये उसको एनालाइज करेगी। अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करता है, वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर को कंपेयर करता है किसके साथ, जो एक्सपेंडिचर पार्लियामेंट ने सेंक्शन किया था, कि पार्लियामेंट ने इतना खर्चा सेंक्शन किया था बजट के टाइम पर और जो एक्चुअल खर्चा हुआ है वो इतना हुआ है, तो वो देखेगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस है वो क्यों है। और जो फाइनेंस अकाउंट होता है वो क्या दिखाता है कि सरकार के पास कितना पैसा आया। ठीक है, सरकार के पास कितना पैसा आया। उसके बाद जी ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट और ऑडिट रिपोर्ट सीएजी की स्क्रूटिनाइज करता है और कमिटी बेसिकली ये देखती है कि जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो सीएजी की रिपोर्ट को एनालाइज करके वो देखेगी कि जो पैसा खर्च हुआ है वो लीगली अवेलेबल था या नहीं था, एक्सपेंडिचर कन्फॉर्म्स टू द अथॉरिटी दैट गवर्न्स इट, जिस अथॉरिटी के पास वो खर्चा दिखाया गया है क्या उसने उसकी कन्फर्मेशन दी थी, एवरी रीअप्रोप्रिएशन हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द रिलेटेड रूल्स, रूल्स को फॉलो करते हुए खर्चा किया गया। उसके बाद ये स्टेट कॉरपोरेशन के अकाउंट्स को भी एग्जामिन करता है, ट्रेड कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ सीएजी एक्सेप्ट दोज पब्लिक अंडरटेकिंग्स विच आर अलॉटेड टू द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, तो एक कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स अलग से है, तो जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स उस कमिटी को स्पेसिफिकली अलॉट हुई हुई है उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह को ये एनालाइज या एग्जामिन नहीं करेगा। एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ ऑटोनॉमस एंड सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज, द ऑडिट ऑफ विच इज कंडक्टेड बाय सीएजी, कंसिडर द रिपोर्ट ऑफ सीएजी रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ एनी रिसिप्ट और टू एग्जामिन द अकाउंट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक्स, जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है, एग्जामिन द मनी स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, कुछ जो भी खर्चा किया है किसी भी सर्विस के ऊपर और अगर ये खर्चा एक्सेस में है, जो अमाउंट लोकसभा ने ग्रांट किया था उससे एक्सेस में है, तो उसको ये एनालाइज कर सकता है। और इस सारे फंक्शंस की फुलफिलमेंट के अंदर सीएजी जो है ये इसको असिस्ट करेगा, इस कमिटी को असिस्ट करेगा। तो
तो एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि सीएजी जो है वो एज अ गाइड फ्रेंड एंड फिलोसोफर एक्ट करता है इस कमिटी का. इन वन ऑफ द एग्जाम्स दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड दैट सीएजी एक्ट्स एज अ गाइड फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कमिटी. नीचे चार पार्लियामेंट्री कमिटियों के नाम दिए हुए थे और आंसर था पब्लिक अकाउंट कमेटी. ठीक है, तो मल्टीपल क्वेश्चंस इस कमेटी में से आते हैं और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं. अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कवर्ड हैं तो आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी में से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो वो तो गलत होता नहीं है, तो गारंटी है. ठीक है जी. However, the effectiveness of the role of the committee is limited by the following. अब इसके ऊपर कुछ limitations भी हैं जो इसकी effectiveness को restrict करती हैं. सबसे पहले तो ये पॉलिसी को क्वेश्चन नहीं कर सकता. ये चीज जज करने के लिए नहीं है कि कौन सी पॉलिसी सही है या पॉलिसी गलत है. ठीक है. दूसरा, इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि ये पोस्टमार्टम करता है. पोस्टमार्टम क्या होता है बेसिकली, जब आप सीआईडी आपने बहुत देखा होगा बचपन के अंदर, तो जब लाश आ जाती है तब उसके ऊपर देखते हैं ना कि हाँ भाई क्यों इसकी मौत हुई. तो अल्टीमेटली ये भी यही कर रहा है कि खर्चा तो हो गया ना, जो नुकसान होना था वो तो हो गया, उसके बाद ही एनालाइज कर रहा है. ठीक है, तो खर्चा ऑलरेडी हो चुका है तो उसके बाद फिर वो पैसा तो वापस नहीं आ सकता ना जो लॉस हो गया. इट कैन नॉट इंटरवीन इन मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स के अंदर ये बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता. इसकी जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी होती हैं, बाइंडिंग नहीं होती मिनिस्ट्रीज के ऊपर. ठीक है, ये किसी भी एक्सपेंडिचर को अगर इसको लगता है कि यार ये फालतू का खर्चा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये इसके पास कोई पावर है कि हाँ भाई तुम्हारा खर्चा हम बंद करा देंगे. ओके, और ये किसी भी तरह से एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, ये किसी तरह का ऑर्डर नहीं इशू कर सकती और ये सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकती है. इसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे पार्लियामेंट जो है वो कोई डिसीजन ले सकती है, पर ये खुद से कुछ